निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिलाने के संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, बरेली में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम सिंह मौर्य के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष राम सिंह मौर्य ने बताया, नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे करवाकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाईकोर्ट ने उनके आरक्षण को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह तक कह दिया कि अगर आप प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा, और अगर बगैर प्रक्रिया के आरक्षण व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के ही चुनाव करा दो। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर मानना है कि ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई है। इसके लिए जो भी अधिकारी और सरकार के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब इस नगर निकाय चुनाव में भाजपा सरकार ने जानबूझकर सर्वे में गड़बड़ी कराई, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है। अगर सरकार ने संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निकाय चुनाव में आरक्षण लागू नहीं किया तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर का आंदोलन करेगी। संवैधानिक तरीके से नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू कराएं ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक और न्याय मिल सके। प्रदर्शन के दौरान जाकिर हुसैन, पुष्पादेवी मौर्य, हुमा खान, नंद किशोर, राम अवतार मौर्य, धनपाल मौर्य आदि मौजूद रहे। मेरा नाम राम सिंह मौर्य है, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी बरेली से हूँ। क्या मांग है आज आप क्या कर रहे हैं? सरकार जो ओबीसी आरक्षण है ये खत्म करना चाह रही है, इसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं कि जिससे जो ओबीसी आरक्षण है, बैकवर्ड का जो आरक्षण है वो ख़त्म ना किया जाए। इस चुनाव में यदि सरकार ख़त्म कर देती है तो अगले चुनाव में भी विधानसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, बच्चों को नौकरी का सवाल होगा, सब में सरकारी आरक्षण ख़त्म करना चाह रही है। उसके लिए हम आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर आरक्षण के विरोध में ये ज्ञापन जो हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी को सौंपा है, इसलिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरने का काम कर रही है।